तो फ्रेंड्स ये तो हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। तो अभी ये पेटीएम का चार्ट चल रहा है यहाँ पे 5 मिनट्स का, एंड ये बैंक निफ्टी। आज बैंक निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपन हुआ है 1200 पॉइंट्स। 1200 पॉइंट्स देख के जो सोच रहे होंगे कि यार काश मैंने यहाँ पे पुट पोजीशन ले ली होती है ना, तो यहाँ से आते कितना अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। बट ये भी देखो कि अगर यहाँ पे आपने कॉल पोजीशन का सोच रखा होता गैप अप के लिए तो लॉस कितना होता, सारी कैपिटल साफ हो जाती। मतलब कि अगर 100 रुपीज़ का लिया हुआ है, मान के चलो 100 रुपीज़ लगाए हुए हैं, तो अब अगर आपने इस साइड में लिए होते ना पुट साइड में, तो ठीक है फॉर एग्जाम्पल 40% बढ़ जाते हैं, 100 के 140 हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कॉल साइड में लिया हुआ है ना, तो ये 40% से डाउन नहीं होता, कम से कम 60-70%। क्यों? क्योंकि टाइम वैल्यू भी रोल प्ले करती है इन चीज़ों में। तो यहाँ पे ये भी बैंक निफ्टी का मैं देख रहा हूँ, तो ना यहाँ पे मैं लेता ट्रेड, लेकिन ये जब ई एम ए यहाँ पे था तो मेरे को ये था कि ई एम ए के ऊपर यहाँ पे कोई रेड कैंडल बनी, यहाँ पे अगर कोई रेड कैंडल बनती ना तो मैं थोड़ा कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले लेता इसमें। बट ये थोड़ी इससे दूर बन गया तो यहाँ पे इतना कॉन्फिडेंस नहीं आता है। 15 मिनट की जो पहली कैंडल है उसकी बाउंड्री का मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ, सबको पता है कि, ताकि मुझे पता लगे कि ट्रेंड किधर है। सारे बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा डाउन ओपन हुए हैं। एक तो लाइव जब प्राइस चल रहा होगा ना, तो मैं ऐसे रिकॉर्ड करता हूँ, हैंग होने लग जाता है। तो पेटीएम में मैंने ट्रेड लिया था यहाँ पे कहीं पे, और एक थोड़े से मूव पकड़ के मैंने एग्जिट कर दिया। यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक सिंपल था, दिखाता हूँ। पेटीएम का 15 मिनट का चार्ट है, तो मैंने यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना के दी, रेजिस्टेंस है ना, यहाँ पे ये फिर सपोर्ट है, लेकिन अभी ये भी रेजिस्टेंस बन गया क्योंकि प्राइस इसके नीचे है ना, इसलिए ये रेजिस्टेंस, ये भी रेजिस्टेंस, अभी ये सपोर्ट है। लेकिन अब यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा तो ये रेजिस्टेंस मिलेंगे इसको, लेकिन ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो प्राइस यहाँ पे कल बंद हुआ था और यहाँ पे खुला सुबह सुबह, और ये लास्ट है नीचे, इसके नीचे प्राइस गया ही नहीं कभी। पेटीएम जो गिरा है अभी तक, तो देखो हाँ ऊपर से प्राइस आ रहा है पेटीएम का, और ऐसे कर देता हूँ। पेटीएम जैसे शुरू आया, मतलब लास्ट नहीं तक आया, तो इसके नीचे कोई सपोर्ट नहीं है। तो जब ज़्यादा गैप डाउन ओपन हो ना मार्केट के, यहाँ से इतनी ज़्यादा नीचे, तो ये देख लो कि जो मतलब बेचने वाले होंगे तो ऑलरेडी कमा चुके हैं इतना पैसा, यहाँ से यहाँ तक इतना कमा चुके हैं, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करेंगे, या फिर खरीदने वाले भी आएंगे, तो फिर प्राइस थोड़ा ऊपर की तरफ ही जाता है। और यहाँ सपोर्ट के पास 5 मिनट की कैंडल दिखाता हूँ, 5 मिनट का चार्ट देखो। तो ये देखो ये सपोर्ट है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक मतलब सेलर लाए थे, फिर बायर ऊपर लेके गए, फिर सेलर लाए, फिर यहाँ से बायर फिर ऊपर लेके गए, मतलब ये लास्ट पॉइंट है, ये लास्ट पॉइंट है, ठीक है, ये सपोर्ट है एक तरीके से यहाँ पे। तो जब इस सपोर्ट पे ये ग्रीन कैंडल बनी ना, इस सपोर्ट पे जब ये ग्रीन कैंडल बनी तो मेरा कॉन्फिडेंस आ गया था कि यहाँ पे मैं बाइंग साइड प्लान कर सकता हूँ। और जब ये कैंडल इसके ऊपर बनने लग गई ना, ये भी शायद बन रही थी, पता नहीं बन रही थी, इधर कहीं इन तीन कैंडल में ट्रेड लिया मैंने, तो यहाँ पे कहीं पे ये एक तो ग्रीन कैंडल बन गई पहली चीज़ सपोर्ट के ऊपर, और दूसरी चीज़ इसके बॉडी के ऊपर ट्रेड करने लग गया, तो यहाँ मैंने ट्रेड ले ली थी कहीं पे। और मेरे को पता था मेरा मैक्सिमम टारगेट क्या होगा, ये ई एम की लाइन है, क्योंकि इससे ऊपर प्राइस नहीं जाएगा क्योंकि मैं डाउन साइड में ना प्राइस, और फिर जब तक मूवमेंट मेरे को दिखी मैंने ली और फिर मैं निकल गया। और अभी रिकॉर्डिंग देखो कैसे मैंने क्या किया, ट्रेड के टाइम पे मुझे लॉस दिखा रहा था बट फिर भी मैंने प्रॉफिट में कट किया, कैसे क्या हुआ वो रिकॉर्डिंग देखो।
कैसे मैंने क्या चीज़ें की, मतलब मॉडिफाई किया नहीं किया, या क्या दिमाग में चल रहा था मेरे कि मैं एग्जिट करूँ ना करूँ, कब करूँ कैसे करूँ, तो वो थोड़ी रिकॉर्डिंग बना दी। रिकॉर्डिंग क्या ऐसा है ना कि ये लाइफ जैसे चार्ट चल रहा है अभी, तो अभी मैं इस टाइम पे अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ, एंट्री एग्जिट कर रहा हूँ, तो थोड़ा हैंग करने लग जाता है, तो मेरे को फिर दिक्कत होती है ट्रेड लेने में। तो इसलिए फिर मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड कर दी मोबाइल की, क्योंकि मोबाइल में तो कुछ हैंग होगा नहीं, उसमें तो एंट्री एग्जिट करना है उसमें से, तो इसलिए रिकॉर्डिंग बना दी मैंने मोबाइल की भी। जब लैपटॉप अपडेट कर लूँगा तो फिर वो भी दिख जाएगा करके आपको यहाँ पे। तो ये 15 मिनट का जो रेक्टेंगल बनाता हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल बनती है उसको रेक्टेंगल इधर बना लो, फिर थोड़ा डायरेक्शन मिल जाती है कि इधर क्या करना है। नहीं तो कई बार क्या होता है इसके अंदर ही प्राइस घूमता ऊपर नीचे ऊपर जाते, इधर ही खत्म हो जाता है, साइडवेज मार्केट होती है, उसमें पैसे नहीं बनते कभी भी। अब एक चीज़ हो रहा है यहाँ पे, डाउन साइड में अच्छी खासी मूवमेंट हो चुकी है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 1500 पॉइंट करीब करीब नीचे आ चुका है प्राइस। ये देखो ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, इसको हटा देते हैं। ये बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट है, इसमें यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, अभी वापस इधर ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी सपोर्ट लेके फिर ऐसे ऊपर जाएगा। लेकिन अगर इसको तोड़ देता है, जैसे अभी इतनी सारी यूक्रेन रशिया या पता नहीं क्या चीज़ें चल रही हैं, नेगेटिव चीज़ें चल रही हैं काफ़ी, तो अगर इस चैनल को ब्रेक करता है ना, तो यहाँ से 1000-1500 पॉइंट का एक दिन में भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मूवमेंट। 36,000 के पास में प्राइस है, तो 36,000 सपोर्ट की तरह काम करेगा ये वाला लेवल, 36,000 है ना, ये लेवल सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि जो भी राउंड नंबर होते हैं ना, 36,000, 35,000, ये सब सपोर्ट की तरह काम करते हैं। जैसे 36,000 हो गया, 35,000 हो गया, 34,000 हो गया, या फिर 38,000 हो गया, मतलब ये 1,000 वाली फिगर्स होती है, ये कैसे काम करती है, हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ये मतलब थोड़े ज़्यादा पावर के होते हैं, पावर समझ लो, या फिर थोड़े ज़्यादा क्रूशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ भी जो आपको समझ आए, मतलब 30 ये जो 1,000 वाली है ज़्यादा होते हैं, लेकिन जो इससे थोड़े कम होते हैं वो होते हैं जैसे 35,500 है ना, 36,500, 37,500, तो जो 500 वाली फिगर्स होती है ये थोड़ी फिर ये मीडियम कंसिडर कर सकते हैं, इसको मीडियम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कंटिन्यू करते हैं कहाँ पे रहना, इधर हाँ, तो मीडियम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं ये 35,500, 36,500, 37,500, 500 वाले जो लेवल्स होते हैं, और जो तो इससे थोड़े लो होते हैं, जो मतलब ब्रेक हो जाते हैं, बट हाँ वो भी एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करते हैं, वो होते हैं जैसे 36,100, 37,100, ये जो 100 वाली फिगर्स होती हैं, 38,500, मतलब 600, तो जो 100 वाली होती है ये लो लेवल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं, मतलब ये भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं, क्योंकि जो भी सेलर्स होते हैं, पुट राइटर्स होते हैं, वो 1,000 के फिगर्स पे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जो ज़्यादा लॉन्ग टर्म सोचते हैं, और फिर 500 पे और फिर 100 पे, ठीक है। अपना मार्केट भी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, आप देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे को इतना मतलब नहीं, मतलब मन नहीं था कि इसमें ऑप्शंस में ट्रेड हूँ, उसके दो तीन रीज़न है। एक तो पहली कैंडल देखो सुबह बन गई 323 पॉइंट, वॉलेटिलिटी कितनी ज़्यादा है यहाँ से लेके यहाँ तक 656 पॉइंट ऊपर नीचे, इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी में कहाँ तो स्टॉप लॉस लगाएंगे, बड़े बड़े स्टॉप लॉस लगेंगे, लॉस ज़्यादा होंगे। अब ये चार्ट दिख रहा होगा आप लोगों को, तो ये दिखाता हूँ, ये कॉल एंड पुट का चार्ट है। अभी देखो प्राइस कहाँ पे चल रहा है, 36,000 में, तो यहाँ पे 36,000 की कॉल, 36,000 का पुट, प्राइस देखो कितना चल रहा है, 700, 11, 710, जबकि 100 या 50 या 40 चल रहा होता है एक्सपायरी के दिन पे, लेकिन कितना ज़्यादा प्रीमियम है, यानी एक लॉट देखो कितने का आएगा, 20,000 रुपये का,
प्रीमियम बहुत ज्यादा है क्योंकि वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा है, ग्लोबल में न्यूज इतनी सारी, वो कोई है ना, इसलिए तो यहाँ पे मैं एक चीज और पोजिशन कर दिखा देता हूँ क्या कुछ किया है। तो ये ट्रेड लिया आज एटीएम में, एक ट्रेड लिया 1322 समथिंग आ गए हैं। तो ना मतलब एक और चीज बताता हूँ अभी कि मतलब कोशिश हम ये करने की डेली ग्रीन में क्लोज करें, चाहे यहाँ पे 10 रुपये हो चाहे 5 रुपये हो यहाँ पे, लेकिन कोशिश करने की ग्रीन में क्लोज करें, क्योंकि रेड में क्लोज मतलब पोजीशन हमारी रेड में भी जाती है ग्रीन में भी जाती है, मतलब साइकोलॉजी जो भी हमारी काम करती है ट्रेड लेने के टाइम पे, बट हमें ट्राई करना है कि हम ग्रीन में क्लोज करें डेली। बट स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, पार्ट ऑफ द गेम, उसमें कुछ नहीं कर सकते। 20 टाइम्स में से या 100 टाइम्स में से अगर 40 टाइम भी हम गलत है ना, 60 टाइम भी सही हो तो भी हम प्रॉफिटेबल हैं। रिस्क रिवॉर्ड वगैरह सब मेंटेन करने दो। अब मैं तो ऑर्डर्स में आ जाता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे मैंने 9:20 पे पेटीएम बाई किया 500 क्वांटिटी इस प्राइस पे। प्राइस इसे थोड़ा नीचे चल रहा था, बट ना ज़्यादा क्वांटिटी लेते हैं ना और मार्केट ऑर्डर मारते हैं। देखो मार्केट ऑर्डर किया है मैंने, मार्केट ऑर्डर मतलब जो प्राइस मिलता है बस ले लो, मुझे बस एंट्री चाहिए फटाफट से दो, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाके मैं मिला। फिर मैंने स्टॉप लॉस लगाया था यहाँ पे 794.90। तो मुझे अभी थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था, मुझे लगा था कि प्राइस ऑलरेडी मतलब इसके ऊपर लगा रहा हूँ स्टॉप लॉस, ताकि मेरा लॉस बिल्कुल भी ना हो, थोड़ा प्रॉफिट में हो जाए। तो फिर मैंने देखा नहीं ये तो मतलब नीचे लगा हुआ है, तो फिर फटाफट इसको मैंने कैंसिल किया क्योंकि मेरा प्रॉफिट चल रहा था। देखो मैं बता दूँ क्या हो रहा है, ये मैंने यहाँ पे बाय कर लिया, फिर मेरी पोजीशन अब वो ग्रीन ग्रीन देख रहा हूँ ना, ग्रीन ग्रीन ऊपर जाया जा रहा है, तो मेरे को क्या हुआ था प्रॉफिट शो कर रहा था मेरी ट्रेड में। तो मैं सोच रहा था कि मतलब 100 रुपीज़ 50 रुपीज़ कुछ ना कुछ बुक कर लूँ, ताकि ये मेरी ट्रेड लॉस में ना जाए, अगर मतलब लॉस प्राइस नीचे आने लग जाए लॉस की तरफ, तो एटलीस्ट 50 रुपये 100 रुपये 200 रुपये मतलब एज अ ब्रोकरेज वो मेरे को मिल जाए कम से कम, ये ट्रेड मेरी लॉस में ना जाए। आपको पता है मेरी अगर ट्रेड प्रॉफिट में जाने लगती तो फिर मैं लॉस में जाने देता। तो यहाँ पे मैंने ये देखा कि मैंने तो ये तो नीचे लगाया हुआ है, तो यहाँ तो मेरा अगर नीचे प्राइस चला गया तो मेरा तो मतलब लॉस हो जाएगा, प्रॉफिट शो कर रहे ट्रेड पे फिर लॉस हो जाएगा। तो इसलिए मैंने इसको कैंसिल किया फटाफट। और इसके बाद फिर मैंने एक और ऑर्डर डाला था, जो यहाँ पे डाला था मैंने कुछ, ये भी ये सेम ही है शायद, या पता नहीं मैंने इसके ऊपर डाला था नीचे डाला था क्या, ये वापस वही डल गया पता नहीं क्या। फिर मैंने 800 नहीं, फिर मैंने यहाँ पे एग्जिट ही कर दिया था, प्रॉफिट दिखने लगे था वो स्क्रीन पर देख लिया आपने कैसे क्या हुआ है ना। तो ये साइकोलॉजी काम करती है इस तरीके से। और एक चीज़ और बताता हूँ, पेटीएम जैसे पहली कैंडल का मैंने बनने बनने का वेट किया कि बन जाए, उसके बाद फिर आगे ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसी कैंडल पे अगर मैं ट्रेड ले लेता ना ये सोच के कि नीचे जाएगा प्राइस या ऊपर जाएगा, तो उसमें फिर कन्फ्यूजिंग रहता है। अब सेकंड कैंडल पे हम ट्रेड ले सकते हैं कैसे, सेकंड कैंडल पे ट्रेड लेते टाइम हमारे पास क्या क्या रीजन है ट्रेड लेने के लिए, ट्रेड लेने के लिए रीजन होना चाहिए, यानी कि अब मेरे को तो ये लग रहा है कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा यहाँ से नीचे जाएगा। अभी सेकंड कैंडल यहाँ पे जब बन रही थी मेरे पास रीजन था, पहला रीजन कि पहले जो कैंडल बनी है 5 मिनट की वो सपोर्ट के ऊपर बनी है, प्रीवियस सपोर्ट है ना, ये प्रीवियस सपोर्ट है, इसी के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन गया, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का चांस है। और सेकंड कैंडल जब इसकी बॉडी के हाई के ऊपर ट्रेड करने लगी तो यहाँ पे रीजन था ट्रेड करने का। अब इसी कैंडल पे अगर मैं ट्रेड करने लग जाऊँ तो क्या पता इसको ब्रेक करके प्राइस और नीचे आ जाए, या क्या पता सीधा ऊपर चला जाए, पता नहीं होता ना, इस तरीके से चला जाए प्राइस ऊपर एकदम। तो अगर हम रीजन के साथ ट्रेड करेंगे ना तो आगे भी ट्रेड लेंगे तो कॉन्फिडेंस भी आता है। अब यहाँ पे हैमर कैंडल बनी है, कलर मैटर नहीं करता रेड है कि ग्रीन है। हैमर कैंडल में 2.5 टाइम हम टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे ईएमए है तो इसलिए हम ट्रेड लेंगे भी तो इतना टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे मैक्सिमम, इतना ईएमए के नीचे नीचे। मैं चाहता तो और भी ट्रेड्स ले लेके मतलब बैठा रहता ट्रेड करता रहता, और भी प्रॉफिट भी होते लॉस भी होते, बट एक चीज़ श्योर होती कि मैं इसका 70% बुक कर लेता, 30% भी लॉस लेता, मतलब रिस्क लेता बस। पर ठीक है यार, ग्रीन में क्लोज कर दिया, मेरे को और भी बहुत सारी चीज़ें करनी है, तो मैंने कहा बंद करते हैं इसको। पैसा बन जाना सुधर ले जाना सीखना है, यानी कि लाल लाल लालची बन जाओ और कि भाई पैसा बनाएंगे हम, तो और जो शुरुआत है पूरे दिन बैठना है नोट छापने है नहीं। एक एनालिसिस किया था मैंने पेटीएम वगैरह में जो भी है उसके ऊपर, फिर जब मेरे को ट्रेड मिला मैंने लिया, और उसके बाद ऐसे शांति से घर लेके जाने हैं, कल देखेंगे क्या करना है। तो ये मैं दिखा रहा हूँ सेगमेंट्स मैंने डीएक्टिवेट कर दिया, मैं चाहे वो ट्रेड नहीं ले सकता, मैंने किल स्विच कर दिया है। तो आप लोग भी ऐसे किया करो, प्रॉफिट बन जाए,
तो अभी किल स्विच कर दो ताकि ये प्रॉफिट जाए, ताकि ये प्रॉफिट हमारे घर पे आ जाए, है ना, इसको हम घर ला पाए। और अगर लॉस हो जाए ज़्यादा या कुछ एकदम से मेरा एसएल हिट हो गया था, लॉस हो गया था, तो मेरा क्या है कि एक एसएल हिट होगा फिर मैं ट्रेड नहीं लूँगा, अभी मेरा ये रूल चल रहा है। धीरे धीरे 2 एसएल 3 एसएल पर भी फिर मैं चलूँगा पूरा टाइम। तो यहाँ पे अगर लॉस हो जाता है तो भी किल स्विच कर देना, क्योंकि वरना लॉस ज़्यादा हो जाएगा, फिर लॉस रिकवर करने के चक्कर में ट्रेड लेते रहेंगे फिर लॉस ज़्यादा हो जाएगा। या बैंक निफ्टी का थोड़ा चार्ट वार्ट देख लेते हैं। यार हल्का सा ऐसे ऐसे हैंग करता है ना तो फिर मजा नहीं आता देखने में। रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना इसलिए हो रहा है, नहीं तो नहीं होता है। अभी एक चैनल था बैंक निफ्टी का, यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए बायर्स, सॉरी सेलर्स हैं वो, बट यहाँ अगर बायर्स एक्यूमुलेट होते तो इस लेवल को ब्रेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ सेलर्स एक्यूमुलेट हुए, हैवी सेलिंग आई, सीधा प्राइस नीचे फिर लाइन के पास, फिर यहाँ पे सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ सपोर्ट मिला, यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस। तो मैं तो ये भी सोच रहा था कि यहाँ पे एक्यूमुलेट हुए हैं तो यहाँ एक्यूमुलेट होकर ऐसे ऐसे इधर फिर इसको ब्रेक करेंगे, क्योंकि 1 2 3 टाइम यहाँ पे टच किया हुआ है, तो यहाँ ब्रेक करते तो मैं टारगेट इतना एक्सपेक्ट कर रहा था। बट ठीक है, मार्केट इतनी गैप डाउन ओपन हो जाती है, एकदम से ट्रेड लेनी नहीं है कि भाई गैप डाउन हो गया तो ट्रेड ले लो, आराम से प्राइस एक्शन बने या कुछ चीज़ बने तब ट्रेड लेना। ये चैनल है वही जो दिखाया था वन डे वाला, वीकली वाला भी बताओ, ये चैनल है कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है इजिली, इस लेवल तक भी आ चुका है। अब मैं सारा दिन मार्केट देखता हूँ क्या फर्क पड़ रहा है, पैसे तो अभी तो घर आने ही है ना, स्किल्स भी इसलिए बढ़िया चीज है। अब पेटीएम में यहाँ पे, हाँ अब देखो इधर ये दूर था ना, कितना दूर है ये मैसेज, कितना दूर है ये मैसेज, तो मेरे को चाहिए कि ईएमए के यहाँ पे कोई कैंडल बने, रेड कलर की कैंडल बने, तो फिर मैं उसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के फिर ट्रेड लूँगा। जैसे ये ग्रीन बन रहा है, यहाँ पे अगर रेड बन जाए तो इसका हाई का स्टॉप लॉस लगा के फिर हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पे नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इमीडिएट सपोर्ट है, सपोर्ट मतलब यहाँ बायर्स बायर बैठे हुए हैं, बायर देख रहे हैं अच्छा यहाँ पे चल रहा प्राइस, तो बायर्स को अगर यहाँ प्राइस दिखेगा तो वो यहाँ पे बाय करने के लिए रेडी बैठे हैं, यहाँ जैसे प्राइस आएगा फिर ऊपर ले फिर बाय कर लेंगे वो, फिर यहाँ प्राइस आया फिर बायर ने ऊपर ले गए, तो इसलिए सपोर्ट है ये। अब ये सपोर्ट एक बार यहाँ पे सपोर्ट बन चुका है, एक बार बायर ने पूरी कोशिश की यहाँ से ले गए ऊपर, फिर यहाँ बायर ने कोशिश करी फिर ले गए 2 बार। अब बायर्स के पास भी ये नहीं है ना कि पैसे ही पैसे बहुत सारे हैं, लिमिटेड पैसे रहते हैं, तो इसलिए अगर एक लेवल पे बार बार मतलब ऐसे हो रहा है कि सेलर तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं बट बायर बचा रहे हैं बचा रहे हैं बचा रहे हैं, तो फिर वो लेवल वीक हो जाता है। एक दीवार पे अगर हम एक बार हथौड़ा मारेंगे 2 बार हथौड़ा मारेंगे तो जितनी ज़्यादा बार मारेंगे वो दीवार वीक होती जाएगी, फिर वो लेवल वीक हो जाता है और वो टूट जाएगा इजीली। तो 2 बार तो हो चुका है, एक बार ये एक बार ये, थर्ड टाइम भी सेलर ने ट्राई किया बट उतना पास नहीं आ पाया, बायर फिर से ऊपर ले गए। अभी देखते हैं, ये वही पेटीएम में फर्स्ट 15 मिनट की जो कैंडल है उस पर मैंने ये बना बना रखा रेक्टेंगल, तो इसको मैं येलो कलर से बना देता हूँ, मतलब बनाता हूँ येलो से। अब देखो ई एम ए रिजेक्शन मिला है ना, तो यहाँ पे अगर ये रेड बनती है तो इसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगेंगे ऐसे यहाँ पे, और टारगेट मिनिमम 1:2, 1:2 का मतलब। अब एक चीज़ हो रहा है, देखो मैं बताता हूँ जो लोग क्या लोग गलतियाँ करते हैं, मतलब मैं ये चीज़ देखो, अब 1:2 का लगा दे ठीक है, अब मान लो प्राइस यहाँ तक आया यहाँ तक आया और फिर वापस जाके स्टॉप लॉस हिट कर देता है तो उसमें लॉस हो जाता है ट्रेड पे, वो सबसे गलत चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। एक बार जब यहाँ पे हमने एंट्री ले ली, मान लो प्राइस आने लगा यहाँ तक आ गया, हम यहाँ तक आ गए तो प्रॉफिट में अभी, तो उसके बाद हमें इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पे एसएल को ट्रेल कर लेना ताकि ट्रेड में हमारा लॉस नहीं होना चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा हमने एनालिसिस की, पैसे लगाए, टाइम दिया, एफर्ट दिए, और फिर जब इतना प्रॉफिट दिख भी रहा है तो ये नहीं, इसको जान नहीं देना है, थोड़ा बहुत इसमें से लेके ही जाना है, तो एक बार प्रॉफिट दिखाने लग जाए ना ट्रेड तो उसको लॉस में कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज़ और दिखाता हूँ, देखो जब बायर्स ऊपर लेके जा रहे हैं तो जो प्रीवियस लो है, इस कैंडल का प्रीवियस लो क्या है ये, अगली कैंडल का प्रीवियस लो है ये, फिर इससे अगली कैंडल का प्रीवियस लो है ये,
इससे अगले कैंडल का प्रीवियस लो क्या है ये, तो देख रहे हो जो भी प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो टूट नहीं रहा है, यहाँ से बाहर ऊपर ले गई, फिर इस लेवल लो को टूटने नहीं दिया बायर्स ने, फिर यहाँ से ऊपर ले गई, मतलब जब भी प्राइस ऊपर जाता है ना तो प्रीवियस कैंडल के लो की रिस्पेक्ट करता है, तो इससे क्या पता लगता है, जैसे मान लो यहाँ पे ट्रेड ली गई तो ये कैंडल बन गई, इसके नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लो ट्रेलिंग वाला, फिर इस कैंडल को बनने का वेट करो, ये बन गई फिर इसके नीचे लगा लो स्टॉप लॉस, फिर इसके नीचे लगा लो स्टॉप लॉस, ऐसे ऐसे चलता है। तो यहाँ पे मैं एग्जिट कर गया था, क्यों उसका रीजन दिखाता हूँ, मैंने एग्जिट क्यों किया था। अब ये देखो यहाँ पे सेलर एक्टिवेट हुए थे, यहाँ से नीचे ले गए थे, फिर बायर ऊपर लेके, फिर यहाँ से फिर नीचे ले गए, है ना, फिर यहाँ बायर गई, फिर यहाँ से सेलर, फिर मतलब यहाँ पे सेलर बैठे हुए हैं इस लेवल पे, मैं लाइन मार्क कर देता हूँ, मैंने एग्जिट क्यों किया था उस पर, मतलब अगर रीजन दिख जाए ना कि यार ठीक है अभी स्टेट में नहीं रहना है, कुछ रीजन दिखे तो एग्जिट करने में कोई बुराई नहीं है। तो देखो यहाँ पे कहीं पे सेलर बैठे हुए हैं, तो बायर ने यहाँ पे कहीं एंट्री की, मैंने देखा यहाँ पे ही लेवल है, तो इस लेवल को अगर तोड़ देते हैं, तो एक चीज देखो बायर कहाँ से आ रहा है, यहाँ से, तो घोड़ा भाग के आएगा, भागेगा 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 भागेगा, यहाँ तक भागेगा तो थक जाएगा ना, घोड़ा रेस्ट करेगा, खाएगा पिएगा फिर चलेगा, जैसे ये देखो यहाँ से घोड़ा भागना शुरू किया, फिर यहाँ पे थोड़ा आराम से रेस्ट किया, खाया पिया ना, फिर एकदम फ्रेश अप हो गया, फिर अच्छे से, फिर यहाँ से फिर घोड़ा दोबारा भागा, अच्छा खासा भागा ना ऊपर, तो कभी भी अगर किसी लेवल को तोड़ता है ना प्राइस, थोड़ा सा वहाँ पे सस्टेन करता है। तो ये देखो यहाँ पे बायर्स एकदम से गए, मतलब ये घोड़ा एकदम भाग भाग के गया, भाग भाग के गया, यहाँ तक थक जाता है ना, तो एकदम से नहीं भाग पाता, मतलब कोई भी प्राइस में मूवमेंट होते तो यहाँ पे लेवल को अगर तोड़ना है थोड़ा सा यहाँ पे सस्टेन करेगा यहाँ पे बायर्स, क्योंकि एकदम से प्राइस जाता है तो सेलर एकदम से नीचे ले आता है, बट अगर यहाँ पे ऐसे एक्यूमुलेट करेगा तो यहाँ पे क्या है बहुत सारे बायर जमा हो जाते हैं, तो फिर अब देखो बार बार यहाँ पे गया तो सेलर डर जाते हैं, क्योंकि सेलर ने जिसने यहाँ सेल किया वो स्टॉप लॉस यहाँ लगाएगा, यहाँ पे प्राइस है सेलर डर गई, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, बार 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 आ रहा है, ये बार बार आ रहा है, क्या बोल रहा है सेलर को, बेटा स्टॉप लॉस तेरा हिट करने वाला हूँ मैं, फिर वो कर ही देता है, क्योंकि प्राइस बार 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 यहाँ पे सस्टेन कर रहा है ना, तो इसलिए एकदम से एक तो ये मूव जा रही थी, तो इसलिए मेरे को था कि 90 डिग्री में कभी भी ऐसे प्राइस मूव नहीं करता है एकदम से ऊपर, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे एग्जिट कर दिया, एक तो यहाँ पे सेलर बैठे थे तो इधर कहीं भी मैंने एग्जिट कर दिया था, एग्जिट करने का पता लग गया होगा आपको क्यों किया मैंने, प्राइस कभी कैसे मूव करता है, देखो यहाँ पे प्राइस है ना ऐसे ऊपर गया फिर नीचे आता है, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यहाँ तक आया फिर ऊपर फिर नीचे, मतलब इस तरीके से मूव करता है प्राइस 45 डिग्री एंगल में, है ना, ऐसे नीचे ऊपर ऊपर ऐसे 45 डिग्री में होता है सस्टेन करता है वो, लेकिन एकदम से फास्ट मूवमेंट होते हैं सस्टेन नहीं करते, जैसे ये दिखाता हूँ यहाँ पे देखो यहाँ से यहाँ से गया प्राइस कहाँ गया, देखो ये एकदम ये प्राइस कैसे गया एकदम 90 डिग्री में, ये कैंडल फिर ये कैंडल फिर ये कैंडल, फिर प्राइस कैसे मूव किया एकदम से ऐसे, स्टॉक मार्केट को भी ऐसे नहीं चलता एकदम सीधा ऊपर फिर सीधा नीचे, तो यहाँ से प्राइस एकदम से 90 डिग्री में गया, तो यहाँ पे फिर देखो कैसे रिट्रेस हो गया नीचे, हाँ आधे कितनी यहाँ तक आ गया, इसलिए आ गई क्योंकि ऐसी मूवमेंट कभी भी सस्टेनेबल नहीं होती है, जो मूवमेंट ऐसे 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 जाती है ना 45 डिग्री में वो प्राइस सस्टेन करता है, पेटीएम तो मतलब डाउन ही चल रहा है, तो इसमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देखनी है, बाइंग तो करेंगे जब सॉलिड रीजन है वो भी कम क्वांटिटी में। अभी देखो यहाँ पे रेड कैंडल बन गया, लेकिन ईएमए से कितनी दूर है, ये रेड कैंडल अगर यहाँ आपकी ईएमए बन जाती ना तो क्या है अच्छे खासे और भी सेलर इन्वॉल्व हो जाते हैं, यहाँ पे लगाते हो स्टॉप लॉस और फिर अच्छे से प्राइस जाता, तो ये रेजिस्टेंस लेवल था इसलिए यहाँ पे एग्जिट कर दिया था, और प्राइस भी ऐसे मूव करता है, अगर थोड़ा नीचे आता है यहाँ पे फिर थोड़ा ऊपर जाता है इसके साथ, तो मैं बना रहता ट्रेड में, ये बैंक निफ्टी साइड, अब देखो एक चीज़ और, ये रेक्टेंगल के अंदर प्राइस है ना साइड वाइज घूमता रहेगा, इधर थोड़ा इधर चला गया ऊपर चला गया नीचे चला गया, ये जो फास्ट मूवमेंट है ना वो हम कम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें 15 मिनट वाले में, तो इसके लिए कॉम्पोनेंट्स देखते हैं, देखो एक चीज़ तो ये यहाँ से ये पता लग रही है, ये देखो सब रेड, इसका मतलब सारे रेड में है, मतलब कि मार्केट डाउन है, अपसाइड ट्रेड लेने में हमें क्वांटिटी बहुत कम करनी है अगर लेंगे तो, मतलब प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहे हैं तो वैसे भी इंटरेस्ट नहीं हूँ मैं तो, ज़्यादा प्रीमियम में ना स्टॉप, अब वॉलिटिलिटी भी कितनी ज़्यादा है, स्टॉप लॉस बहुत बड़ा लगाना पड़ता है इसमें, एच डी एफ सी 15 मिनट वाले रेक्टेंगल में घूम रहा है,
आईसीआईसीआई अभी तो कितना टाइम लग रहा है ना, रेक्टेंगल में ही घूम रहा है। ये आया नीचे कोटक बैंक, तो जैसे यहाँ पे क्लोज कर दी, यहीं कहीं ऐसे लगा के ट्रेड ले सकते हैं। तो अपना तो हो गया आज का, ठीक है तो चलते हैं। मैं अपने और काम कर लूँ, मुझे बुक्स पढ़नी है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे करनी है, मैंने लिखी हुई है। मैं अपने प्रोडक्शन करता हूँ, अपने प्रोडक्टिविटी करता हूँ, ये तो मार्केट चलती है पूरा टाइम। तो ठीक है, रखते हैं इसको। तो टेंडेंसी है कंक्लूजन का पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं लास्ट में एक कंक्लूजन का पार्ट डालने वाला हूँ वीडियो में। तो आज का कंक्लूजन ये है कि पेटीएम में कैसे देखा आपने कि ट्रेड लिया है मैंने, मतलब सपोर्ट था वहाँ पे, कैंडल बनी फिर उसके बाद लिया, तो एग्जिट क्यों गया वो भी पता लग गया आपको ट्रेड में, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस था, वहाँ पे सेलर बैठे हुए थे। तो ट्रेड कैसे क्या लिया, कैसे प्रॉफिट कमाया वो तो आपको पता लग गया है ना। तो और चीज़ें बताता हूँ, हाँ अब जैसे एक बार प्रॉफिट हो चुका है तो उसका 70% एटलीस्ट बुक कर लेना है, और 30% से अगर इसे लेना लेना है तो वो भी ज़रूरी नहीं है कि भाई 30% से मतलब ट्रेड लेना ही लेना है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं कि या तो सारा पैसा घर ले आए और या फिर 30% से रिस्क लेके और ट्रेड लें, और ऐसे करते जाएंगे तो अगर किसी एक बार हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है किसी ट्रेड में तो फिर हम वहाँ से एग्जिट मतलब फिर किल स्विच दबा देंगे। और एक और चीज़ अगला कंक्लूजन है कि किल स्विच बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब मेरा प्रॉफिट हो गया, अब मैं अगर और ट्रेड लेता हूँ सारा दिन बैठे रहो कि नहीं और कमाना है और कमाना है, आज ही मेरे को अमीर बनना है, तो फिर लॉस होएंगे ज़्यादा और मैं सोचता रहूँगा मेरे को पुराने वाला प्रॉफिट दिख जाए और फिर मैं बंद कर दूंगा, वो होता नहीं है फिर, क्योंकि लॉसेज भी होते रहेंगे प्रॉफिट भी होते रहेंगे। तो और अगर लॉस होता है दिमाग घूम जाता है, फिर लॉस होने लग जाते हैं। तो इसलिए एक बार प्रॉफिट हो गया किल स्विच दबाओ, ग्रीन में क्लोज कर दिया डे, बस शांति से बैठे रहो, होने तो जो हो रहा है। और ऑप्शन में आपने देखा कि कैसे प्रीमियम बहुत ज़्यादा है, वो क्यों है, क्योंकि ग्लोबल सिनेरियो जो है नेगेटिव चल रहा है हर जगह पे, रशिया यूक्रेन की न्यूज़ है, बैंक में फ्रॉड है, 23,000 करोड़ के फ्रॉड है, तो इसलिए ग्लोबल सिनेरियो नेगेटिव चल रहा है, वॉलिटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ऐसे टाइम पर ट्रेड ना ही लो तो बढ़िया है। तो ठीक है, कंक्लूजन में यही था कुछ, अगर एडिशनल पॉइंट्स मुझे दिखते रहेंगे तो मैं डालता रहूँगा। तो ठीक है, देखते रहो, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।